अमेरिका और भारत। अमेरिका को तुम लोगों ने सबक सिखा ही दिया और अब रहा भारत। उससे पहले वहां बम ब्लास्ट होना जरूरी है ताकि वहां का नाम और निशान मिटे। लेकिन इंडिया में अपने तीन लोग मेन लिस्ट में हैं, मिस्टर परांजपे इन गुजरात, मिस्टर हरि प्रसाद इन राजस्थान, मिस्टर बीर बलराज सिंह इन पंजाब। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिस्ट में है ये आदमी, दिस मैन फ्रॉम साउथ। जरा देखो, गौर से देखो। ड्राइवर थोड़ी देर यहीं वेट करो। तूने मुझे ड्राइवर कहा, एक तो तुझे मैंने लिफ्ट दी, ऊपर से मुझे ड्राइवर कह रहा है। सॉरी, अगली बार चढ़ाएगा। हाँ, अगली बार चढ़ा दूंगा। हाय हाय हाय, मनो आ गया। सैटरडे नाइट और फुल टाइट रहेंगे। कितना मिला तुझे? सॉरी गाइस, सिर्फ 5 ही हाथ में मिला। क्या 5,000 मिला? अरे उतने में तो माउंट रोड खरीद सकते हैं। हमेशा की तरह जल्दबाजी कर रहा है। एक पुराना 5 रुपए का नोट मिला, इसको लेमिनेशन करा के रखा। ये देखो क्या रे, फटा हुआ 5 रुपए का नोट लाकर बोल बच्चन दे रहा। तेरा कान काट लूंगा। कान मत काट, चल नहीं काटता, तुझे पैसे चाहिए ना। हाय, एक्सक्यूज मी, आप ही इस साल के मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हुई है ना? सॉरी, मैंने तो उसमें हिस्सा ही नहीं लिया था। तो ये हैं इनका चेहरा, ठीक से देखकर बोल। छे छे, चांस ही नहीं है। कौन थी? शायद उसने जापान में हिस्सा लिया होगा। नाक चपटी है तो जापान बोलेगा। ठीक है, आपने हिस्सा नहीं लिया इसीलिए किसी और को दे दिया। इट्स ओके, वैसे आपको क्या चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, हफ्ते में 5 दिन कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की तरह सीरियसली पढ़ाई करते हैं। शनिवार और रविवार को अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। आज शनिवार है इसलिए एंजॉय करना चाहते हैं। आप जरा हेल्प कर सकती हैं हमारी? सॉरी मैडम, आपने जल्दबाजी में हाथ उठा दिया। एंजॉय का मतलब हमारा उस बात से नहीं था मैडम, थोड़ा पी करके एंजॉय करना चाहते थे लेकिन हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं है मैडम। अगर आप थोड़ा दे देंगी तो मेहरबानी होगी मैडम। ये बात है क्या? एंजॉय करो। वाओ, ये क्या मैडम, एक हाफ निकाल कर मर्द के हाथ में दे दिया आपने? क्या समझती है अपने आप को? अब चिप्स और गिलास हमें कौन देगा बताइए? चिप्स गिलास, थैंक यू। It's okay. Happy. Bye bye. यार, हमने सोचा था खर्चे के लिए पैसा देगी, ये तो हाथ में हाफ पकड़ा कर चली गई। ये लोग सिर्फ मॉडर्न गर्ल्स नहीं हैं, ये तो चलती फिरती वाइन शॉप है यार। इनका बैग चेक करेंगे तो ऑमलेट वर्ल्ड पता नहीं क्या क्या मिलेगा। पीने का इंतजाम तो हो गया पर अपना जिगरी दोस्त अभी तक नहीं आया। आजा। हाय, क्यों भाई इतनी जल्दी बोतल लेकर खड़े हो? सैटरडे फीवर शुरू हो गया क्या? अरे इतने से क्या होगा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, तुझे साथ लेकर मेन पिक्चर स्टार्ट करनी है। और वही तो हम लोगों का फाइनेंसर है। चल ठीक है ठीक है, अभी तुमको कहाँ जाना है बताओ। टेक मी टू द वेरियस प्लेसेस लाइक पब, डिस्को। यस, यो। वो क्या है ना, आज रात हम मुंबई सिटी का हर गली कोना कोपचा देखना चाहते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये अपने एरिया की बात कर रहा है। हम लोग को तू कहीं डिसेंट प्लेस लेकर चल, वहाँ के पब्लिक को हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? एक बात बताना तो भूल ही गया, आप दिल्ली जा रहे हो, आने वाली 18 तारीख को वैकुंठ एकादशी है, मंदिर में आपके नेतृत्व में फंक्शन है, आप ये भूल के दिल्ली मत रह जाना। 35 सालों से पार्थ सारथी मंदिर के फंक्शन में शामिल हुए बिना कभी रहा हूँ? मैं जरूर आऊंगा, उनके आशीर्वाद से ही अपनी गाड़ी चल रही है। ठीक है, मैं तो बस याद दिला रहा था, चलता हूं। एक जरूरी काम से मंत्री जी से मिलना है, मैं और वो क्लासमेट्स हैं, उनके बाहर जाने से पहले मैं उनसे मिल सकता हूँ? आप जाइए। नमस्ते। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। आपने मुझे पहचाना क्या? वो सुंदरम हो ना? हाँ। अरे कितना बदल गए हो, पहचान में नहीं आ रहा। और ये क्या हमारे बीच में, ये आप कहाँ से आ गया? बैठो बैठो। आप यहाँ के एमपी है तो मैं आपको तुम कैसे कह सकता हूँ? ए, दूसरों के लिए मैं एमपी हूँ लेकिन तुम्हारे लिए वही पुराना दोस्त हूँ। हाँ ठीक है, इसको रख दो। ये क्या है, फूलों का गजरा? क्या खास बात? लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का चेन्नई का है, वो सेंट थॉमस माउंट में रहता है। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या थी? आप शादी में जरूर आइएगा। जरूर आऊंगा भाई। महालक्ष्मी, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है मुझे पता ही नहीं चला।
पीटर सिल्वर। क्या ये कौन है? ये पीटर कहां से आया? ये पीटर है क्या? ये पीटर कौन है? तुम शादी चर्च में करवाओगे क्या? वो लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है, मेरी बेटी ने उसे पसंद किया है। देखो बच्ची है तो पसंद करेगी, लेकिन हमारा दिमाग है कि नहीं? अपनी बिरादरी में एक भी लड़का नहीं मिला? राम कृष्ण विष्णु ये सब कहां गए? सब लोग मर गए क्या? देखो चाहे कोई हो कैसा भी हो, लेकिन हम कैसे रहते हैं उसका एक नियम होता है। इतनी पीढ़ियों से हम जिस परंपरा को संभाल कर चलते आए हैं, उनको तुमने इस कागज के टुकड़े में यूं समेट कर मिटा दिया। मैं हमेशा तुम लोगों से कहता आया हूं कि सर उठाकर खड़े रहो, पर तुम लोगों की आदत है घुटनों पर जीने की। मैं क्या कर सकता हूं? दिमाग ही नहीं है। अगर मेरे घर में ऐसा कोई होता तो मैं इसे काट कर रख देता, तुम्हारी तरह पत्रिका नहीं बांटता। मैं तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं आऊंगा, तुम जा सकते हो। जाओ तुम सब। नमस्ते। नमस्ते अंकल। रुक जरा, रात भर तू कहां घूमता रहा? नहीं कहीं नहीं पापा, मनोहर के घर पे था, ग्रुप स्टडी चल रही थी। बुक्स किधर है? वो उसके घर पे ही छोड़ दी। लेकिन तुम्हारी ये जो रात की पढ़ाई है उसके लिए मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ। कितनी भी देर हो जाए तुम घर वापस आओगे, समझ गए? बाप रे। ग्रुप स्टडी बोलकर पापा को बेवकूफ बना रहे हो? तो तू भी कुछ कम है क्या? कंप्यूटर क्लास जाने के बहाने तू आइसक्रीम पार्लर नहीं जाती? ये पापा को बताऊंगा तो तू भी फंसेगी, इसलिए हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। पापा के दो कान है ना, एक कान में तू फूल लगा दे और दूसरे में मैं लगाता हूँ। ओके, क्लास के लिए लेट हो रहा है, चल जा जा जा। अरे रे 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 रे, रुक जा रे। शनिवार रात को ग्रुप स्टडीज की? जी हाँ। लड़कों के साथ बीच में बैठकर ड्रिंक्स करने के बाद पूरी रात बाहर घूमकर इसको ग्रुप स्टडीज कहते हो? ऊंची आवाज में क्यों? वो भी मुझे छोड़कर। कभी मैंने कभी। और ये दादा छोटे में क्या बातें हो रही है? दादाजी की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। तू चुप कर और सुन, कल रात को तू कहा था ये मैं बिल्कुल भी नहीं पूछने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है तो सच नहीं बताएगा। जा जाकर नहा ले, बाद में खाना खाते हैं। ट्रेन में कौन आने वाली है? मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, मिस इंडिया है, मिस मलाड है, मिस गोरेगांव है, या मिस चिंचोली बंदर है? वो है अपने यूथ को मिस करके लकड़ी पकड़कर लड़खड़ा कर चलने वाली तेरी दादी आ रही है। ऐसे लोगों को रिसीव करना मेरे लिए इंसल्ट है। अबे ओए, मेरी दादी तेरे लिए इतनी गई गुजरी है क्या? नो नो नो, इतना हैंगओवर होकर भी नहाकर एकदम अच्छे से ड्रेस पहनकर आया किसके लिए? आखिर अपने फ्रेंड के लिए ना। जुबान बहुत चल रही है इसकी, बंद करनी पड़ेगी। हाँ ऐसा नहीं है यार, तू अपने फ्रेंड्स को अच्छी तरह ट्रीट करता है इसीलिए आया। ठीक है, तू इसे अंदर रख, ये इवनिंग में काम आएगी। दादी किस कोच में आ रही है? अरे जल्दबाजी में आने के चक्कर में कोच नंबर पूछना ही भूल गया। नेवर माइंड, इंडिया में कोई भी ट्रेन कभी टाइम पर आई या गई है ये भी नहीं आएगी। हिलते डुलते आएगी, हम दादी को जाकर के पकड़ लेंगे। करेक्ट। ओ लगता है आ गए। गाड़ी किधर है? ए मनु, ट्रेन उस तरफ से आ रही है। वो तो ठीक है, इधर देख एक कंपार्टमेंट हिलते डुलते जा रहा है। अबे वो कंपार्टमेंट नहीं है, अपार्टमेंट है क्या? लड़की है वो। हे भगवान, माल डब्बे में चढ़ाने वाले लगेज को पैसेंजर में चढ़ाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? गाड़ी आ गई, एक काम कर तू उधर ढूंढ, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। क्यों ड्राइवर, उस तरफ इसकी दादी कौन से डब्बे में आ रही है? ओके दादी, ओ दादी, दादी किधर हो दादी? दादी 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 इसे दादी कह रहा है? ये तो दादी नहीं, ये तो दहाड़ती है। ओहो दादी 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 मनु आइए 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 दादी आइए 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 दादी, आपको ढूंढने के चक्कर में पता नहीं किस किस से थप्पड़ खाता हुआ आ रहा हूँ मैं। आप है दादी की इतनी आगे बैठी हुई हैं। ठीक है, टिकट संभाल कर रखिएगा, आगे चेक हो रहा है। टिकट तो नहीं है, जल्दी मैं आ गई। विदाउट टिकट? हाँ। तो फिर टीसी को क्वार्टर देकर पटाएंगी क्या? तिरुपति का लड्डू दूंगी, चुप हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकती हैं दादी। मेरा पोता कहाँ है? यही कहीं आसपास ढूंढ रहा होगा। नाम क्या है सुंदरी? फोन नंबर 489-6610। ये क्या चल रहा है? इस उम्र में जो चलना चाहिए वही चल रहा है दादी। जरा संभल कर, उसका बाप कसाई निकला तो। अरे बाप रे, कसाई भी बकरे की जगह मुझे काट डालेगा बाप रे।
leather goods are very cheap in Chennai. We should buy something. Is it? It lasts for at least 10 to 12 years. How much is this? 1800. 1800? Yes. How is this? Wow, it's very nice. I'm going to get this for my brother. Pack this. Okay, ma'am. You know, I do so much of shopping that at last the shopkeeper has to throw me out. You also do the same, no? I just love to do shopping. What do you say? Where is the dupatta, yaar? Oh, no. खेल रहे हैं ये लड़कियों में क्या जोश है यार? ये क्या बोल रहा है तू? अरे अपने कॉलेज को जिताने का जोश। वैसे इसके ऊपर एक कहावत इसने है। बोला हमारे बड़े बूढ़ों ने बोला है। अच्छा बोला है। और क्या वो पुराने स्टूडेंट्स हैं क्या? और तू क्या है? अरे छोड़ दो वो सब पुरानी बात। थोड़ा सा बच गया वरना गया था। हे मनु, तुम लेखा हो क्या? तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया है ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बॉल उठा कर देने आया हूँ। कहीं कुछ काम मिला कि नहीं तुम्हें? इतना जलील करके पूछ रही, बता ना। सभी कंपनियों में एक राउंड ट्राई किया लेकिन काम कहीं नहीं मिला। एक राउंड से कुछ नहीं होगा, और ट्राई करना पड़ेगा। क्या बोली? एक राउंड और ट्राई करने को बोल रही है। इसमें दो राउंड है, कहो तो मिला करके ट्राई करूं? बदतमीज, इसीलिए तुम्हें कोई काम नहीं देता है, समझे? हे, तू वही है ना जो कल बीच में एक बोट के पीछे निग्रो के साथ बैठी हुई थी, अभी उसका क्या हाल है बोलो? शट अप। देखा, बॉल देकर क्वार्टर लेकर जा रही है। अरे छोड़ो, मैं उसके बाप को बताता हूँ ना। कितना बेकार खेल रहा है आज, इस लड़के को हो क्या गया है? एकदम सही डाल रहा है रिंग के अंदर। क्या हो गया भाई, इतना गंदा क्यों खेल रहा है? ऐसा तो कभी नहीं खेलता। कुछ नहीं है, अभी देख कैसे बोल करता हूँ। क्या हो रहा है इस बार? तुझे क्या टेंशन है? टेंशन कुछ नहीं है यार, उस दिन एक लड़की को देखा था, उसने ऐसा खेलने को बोला क्या? मैं इससे बात करता हूँ। उसको मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखा। फिर से देखा? तूने बात की? नहीं यार, लेकिन उसका दुपट्टा सीधे मेरे चेहरे पर गिरा। चेहरे पर गिरा दुपट्टा, क्या बोली होगी? तुझे एक थप्पड़ दूं क्या मैं? उसे देखकर पता नहीं चल रहा है कि वो अपसेट हो गया है? हाँ यार। क्या यार, बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। ये लव वगैरह का डिसीज स्टार्ट हो गया क्या? यस। हेलो मिस्टर, मिला तो पिकअप नहीं तो पैकअप करना चाहिए, तभी लाइफ इजी रहती है, समझा? हाँ, तुझे लव बहुत इजी लगता है, लेकिन मेरे लिए सीरियस है। हाँ। वाह, अपने कॉलेज में 15 डेज का कोर्स शुरू तो कर दिया, लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जगह की रंगीन परियां इधर ही आकर के भरी हुई है। ए पनीर। हाँ यार। हाय यार, जो गाड़ी चला रहा है वो तो पनीर है, लेकिन जो पीछे बैठी है वो तेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है पता नहीं चल रहा। कैसे पता चलेगा? दुपट्टे से उसने अपने पूरे चेहरे को छुपा कर रखा है। चेहरे को छुपाने के लिए दुपट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट बदल कर कंफ्यूज कर रही है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? बहुत होशियार है ये लोग, इनके करंट में क्या चल रहा है और इनके पास्ट में क्या क्या हो चुका है वो सब इनके फ्यूचर लवर को पता ना चले, और जिससे शादी करने वाली है उसे भी पता ना चले, इनके माँ बाप को पता ना चले, इसलिए इसे प्रोटेक्शन की तरह इस्तेमाल करती है ये। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? वो जो पीछे बैठकर गई, कहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड गायत्री तो नहीं? छी छी, ऐसा होने का कोई चांस नहीं है यार। तू इतना शोर कैसे है? उसका टेस्ट इतना भी खराब नहीं है कि तेरी तितली को लेकर के जाएगा वो। अरे देख देख देख, उधर देख उधर देख उधर देख। ए, तू इस तरह से ठंडा क्यों बैठा है? ओहो, तो इधर भी दुपट्टा की समस्या है। अरे रे, इंडिया में इस दुपट्टे ने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दिया यार। तू क्या कहता है? तूने गायत्री के बारे में बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। छोड़ ना, झटके में सच बोल दिया यार। Excuse me. Yes. We are from Kolkata. All are visual communication students. Oh, welcome. Just a moment, please. Hina? Huh? Yeah, you know. One minute. Who is Hina? Yeah, I'm Hina. Phone for you. For me? Yeah. Hello, this is Hina here. My name is Vasant. I know you and you know me. But if you are confused. क्या बात है? बताइए. अच्छा, आपको हिंदी आती है? अच्छा, तो अभी आपने कॉलेज में ज्वाइन किया है?
ये कैसे हो सकता है? सर्टिफिकेट यहाँ मिस करके वहाँ कैसे ज्वाइन हो सकती हूँ? देखिए, आपका सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, मैं कॉलेज के गेट पर इंतजार कर रहा हूँ। आई एम अ वेरी बिजी मैन, तुरंत आओगी तो सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना यू मिस्ड आउट। ओके, आई विल बी बैक इन अ मिनट। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। हु इज वसंत? हाय, मैं हूँ वसंत। हेलो, मेरा सर्टिफिकेट दीजिए। वो सब तो ठीक है, ये कोलकाता बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि बंगाली लड़की होगी, लेकिन आप तो हिंदी में बात कर रही हैं। क्यों, कुछ क्रॉस है क्या? बस ऐसे ही। हेलो, हाँ, मैं अपना सर्टिफिकेट मांग रही हूँ। अच्छा, उसके बारे में पूछ रही हो? ओह, फोन किया था, उस टेंशन में भाग कर आ गई क्या? एक काम करो, अपना बैग चेक करो, उसी में होगा। हाँ? लड़कियों को ऐसे परेशान करते हो, माइंड योर ओन बिजनेस। देखा मूर्ति, मुझे धोखेबाज की लिस्ट में शामिल कर दिया है। अरे, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं किस किस को सपोर्ट करता हूँ ये सबको पता है। आपको सपोर्ट करने की क्या जरूरत? अरे हम लोग हैं ना आपको सपोर्ट करने के लिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ महाराज। नमस्ते जी। नमस्ते, बहुत बहुत मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक। आपको बहुत बहुत बधाइयां, यू डिजर्व इट। बधाइयों। मुखर्जी साहब, नमस्ते। प्रजापति मोशाय, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। आपकी रेपुटेशन और पार्टी के लिए डेडिकेशन देखकर कैबिनेट मिनिस्ट्री के सामने आई ओनली रिकमेंडेड योर नेम वेरी स्ट्रांगली टू द प्राइम मिनिस्टर। यू नो व्हाई? यू आर द राइट मैन हु कैन हैंडल टेररिज्म टुडे। अरे, आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी पद की उम्मीद से राजनीति में नहीं आया हूँ। पद मिल गया तो खुश हूँ, नहीं मिला तो भी खुश हूँ। आपको मंत्री बनाने के लिए मुखर्जी साहब ने आपको कितना सपोर्ट किया यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे भाई, ये बहुत बड़े आदमी है, 30 साल से स्टेट को अपने हाथ में लिए हुए हैं। कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया। बधाई हो साहब। शुक्रिया। अच्छा मुखर्जी साहब, मैं चलता हूं। ठीक है। He should not come to Delhi again. This should be his last trip. I want that minister post. Listen guys, गजापति की कहानी खत्म करने के लिए यहाँ से कुछ लोगों को चेन्नई जाना पड़ेगा। वहाँ कहाँ, कब, कैसे मूव करना है ये मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। सादिक, लियोन, पीटर, हुसैन, तुम चार लोग वहाँ जा रहे हो। इस असाइनमेंट को केयरफुली और सक्सेसफुली खत्म करना ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। अंडरस्टैंड? क्या रे? हाय। आ गई टॉर्च करने वाली। रुक जा, रुक जा, छोड़ दे। तुझे बुला रही हूँ। क्या फालतू में घूमता रहता है? किसी कंपनी में ट्राई किया? कोई काम मिला तुझे? बुरी तरह फंस गया ना तू? फंस गया ना? कैसी डील करता हूँ देखना। क्या पूछा तुमने? यही कि किसी कंपनी में ट्राई किया। तुम पे ट्राई करूँगा। अरे देखा देखा, कहाँ जा रही हो? कंपनी दिए बिना। सुनो सुनो सुनो, व्हाट, क्या लड़की है ये? इतना डिस्टर्ब क्यों है? इसकी तितली बैठी है इसलिए क्या? ए, क्या तू उसे देख रहा है? नहीं नहीं, उसका ध्यान मैं अपनी तरफ कैसे लाता हूँ? तू देख, मैं क्या बोल रहा था? या एक बात बताओ। हे, क्या यार, उस लड़की को इतना क्यों छेड़ता है तू? इस टू मच। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरी वाली इधर ध्यान दे रही है, वो देख। नहीं, वो सिगरेट को उल्टा जलाने वाले थे। उल्टा? नहीं, मैंने तो सीधा ही जलाया। नहीं नहीं, इससे पहले 2 बार आप उसे उल्टा जलाने वाले थे। ऐसा क्या? मतलब आप बहुत देर से मुझे ही देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी, कहाँ चल दिया? चेयर खाली हो गई है, उस सीट पर आएंगे क्या आप? शट अप। थैंक यू। क्या लड़कियां छेड़ता रहता है? ऐसे टाइम पास भाई। बताओ मुझे क्यों देख रही थी? नॉनसेंस। हैं? लेट्स गो। ये क्या है? ऐसा लग रहा है घर खाली करके जा रही है। पैसा दे दिया या हमें देना पड़ेगा? हमारा नेता गजापति जिंदाबाद। 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 गजापति का दिल्ली आना पक्का हो गया। आसपास सब उन्हीं के लोग हैं, माला पहना रहे हैं। कहां से बोल रहा है तू? पहले मुझे ये बता। गजापति के घर के सामने से। इतना अच्छा मौका है, हाथ से जाने मत देना। बहुत काम पड़ा है यहाँ पर, जल्दी काम खत्म करके वापस आओ। लोग आ रहे हैं और हार पहना रहे हैं। क्या हार पहना रहे हैं? अगला हार उसके जिंदा जिस्म पर नहीं, उसकी मुर्दा लाश पर होना चाहिए, समझा? हेलो, एक्सक्यूज मी, भारतीय आर का घर देखना था पर घर पे ताला लगा है। इंचार्ज ने कहा था वो यही होंगे। हम दोनों दूसरे शहर से आए हैं, आप उन लोगों को पूछ लीजिए। हाँ,
उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, मैं वो सब देख लूंगा। वन सेकंड, यार का घर देखना है पर घर बंद है, इंचार्ज ने कहा था कि वो यहीं होंगे। तुम कौन हो? हम लोग स्टूडेंट्स हैं। वो अभी अभी यहाँ से निकले हैं, इसके खुलने का टाइम 12 बजे है। तो मंदिर जाके पूजा करके आओ, मैं यहीं वेट करती हूँ। ओके। मंदिर में फोटो खींचना मना है बेटी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें कब से मना किए जा रहा हूँ, तुम फिर भी फोटो खींचे जा रही हो। हे रामचंद्र इधर आओ, देखो बाहर के लोग यहाँ आके फोटो खींचते जा रहे हैं और तुम कुछ नहीं बोल नहीं रहे हो। इनसे बात करके निकालो इनको। मैं समझाता हूँ। हिना क्या हुआ? देखो बेटी, मंदिर के अंदर फोटो नहीं खींचते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? आपको ज्यादा लगी तो नहीं? ये लीजिए। I'm sorry, हाँ? एक मिनट रुको, एक मिनट। सॉरी हाँ, सॉरी। अभी तक हमारा असाइनमेंट सही तरीके से चल रहा है। गजापति इसी एरिया में है, उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। जो अभी तक हुआ है सही हुआ है, ये भी हम आपस में मिलकर कर लेंगे। ठीक है। Oh, this idol is impressive. Something different. इन नेगेटिव्स को डेवलप करके प्रिंट निकाल दीजिए। कब चाहिए मैडम? आप कब दे सकते हैं? 2 दिन लगेगा, चलेगा? 2 दिन में पक्का दे देना, मुझे गांव जाना है। फिकर मत कीजिए, हो जाएगा मैडम। आपके जाने से पहले आपको बनाकर दे दूंगा पक्का। थैंक यू जी। आइए मैडम, आप ही हैं क्या? मंदिर में फोटो खींचने से मना करने के लिए आपको गुस्सा आ गया ना? नो प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं था। भारतीयार की पोएम बुक्स? हाँ हाँ, है ना बेटी। ए माहेश्वरी, वो भारतीयार कविता की बुक्स इनको देना। थैंक्स। न्यू एडिशन है क्या? ये सब लास्ट ईयर एडिशन है, ये वाली दे दीजिए। ठीक है। 30 रुपए बेटी। कोई और बुक चाहिए तुम्हें? भगवत गीता है क्या? भगवत गीता के बहुत सारे पब्लिकेशन है, तुम्हें कौन सा चाहिए? लिफकोर पब्लिकेशन। लिफकोर बहुत सिंपल रहेगा। हाँ चलेगी। महेश्वरी। जी सर। लिफकोर गीता दे दो एक। नहीं सर, वो स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में नहीं है, 2 दिन बाद मिलेगी तो चलेगा? रेनू इज इट ओके? इट्स ओके। ओके नो प्रॉब्लम। आप कहाँ की रहने वाली हैं? कोलकाता। मैडम आपके बैग से कुछ आवाज आ रही है। इसमें बम है ना? बम? ब्लास्ट होगा तो 2 किलोमीटर तक सब खाली हो जाएगा। हाँ, मजाक अच्छा कर लेती हैं। I'll be back in 2 days, okay? ठीक है। इस घड़ी के स्ट्रैप को मुझे ठीक कराना ही होगा, हाथ में पहन ही नहीं पा रही हूँ। चाय बोली थी, क्या हुआ? बोल दिया यार, वो चाय इतना लेट क्यों हो रहा है? देख वसंत, पढ़ी लिखी लड़की पार्ट टाइम जॉब कर रही है यहाँ पे। थैंक यू। अगर इसी तरह सब लोग शुरू कर दें तो देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। नाम क्या है आपका? परिमला। ओ, और तुम्हारे पिता का नाम? मत वरना आपके घर का एड्रेस भी पूछेगा। ओ भाई, बंदर की तरह मुंह लटका के क्यों आ रहा है? बात क्या है? ए, क्या हुआ तुझे? वो मेरी लवर थी ना। अरे बाप रे, वही गायत्री। आज किसके साथ बाइक पर गई? तू ज्यादा बोल मत। ए मनु, डिस्टर्ब मत कर, तू बता। उसके पीछे 3 लड़के पड़े हुए हैं। उसके पीछे 3 लोग पड़े हैं? छह चांस ही। ये बार बार बीच में बोलता है यार। तू बता कहाँ? घर के पास वाले बस स्टॉप पर, उसके साथ 3 बस में चढ़ के छेड़ते हैं। अभी क्या करना है बता? उन लोगों को सबक सिखाना होगा। कैसे जाएंगे? बस में जाएंगे। कौन सी बस में? ये जो बस आ रही है। ठीक है चल, बस में चढ़ेंगे तो भी स्टोरी बनेगी, नहीं चढ़ेंगे तो भी स्टोरी बनेगी, तो चढ़ के ही देखते हैं। एक्सक्यूज मी। यस। अच्छी लग रही है ना? उन्हें जरा बुलाइए ना। एक्सक्यूज मी, ही इज कॉलिंग यू। कुछ नहीं, आप पलट जाइए, हम आपको ही देखते रहेंगे। थैंक्स। अरे ये जो कॉलेज के लड़के होते हैं ना, बहुत ही छिछोरे होते हैं, जब देखो तब बस में लड़कियों को छेड़ देते हैं। सुन रहे बुढ़ाऊ, किसको छेड़ रहे हैं बोल रहे हैं? पहले उस लड़की के कंधे से हाथ हटा, उस लड़की के ऊपर से पैर हटा, धोती ठीक से बांध। गलत काम खुद करते हैं, दोष हमें देते हैं। उधर देख कैसे 2 बुढ़े लोग मेहनत कर रहे हैं। ए बुढ़े, जितनी मेहनत यहाँ कर रहा है उतनी घर में की होती तो तेरा परिवार सुखी रहता। बराबर बोला तुमने। Thank you.
हेलो। हाँ? पढ़ाई करते समय अगर एक लड़की क्रॉस हो गई तो इंसान ना पढ़ाई में जीत पाएगा और ना ही लाइफ में जीत पाएगा। मैं दोनों में जीतूंगा। हाँ, मुझे तो कोई सिम्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। चाहे तो देख ले। मैं कहाँ देखूं? तो वो तो जा रही है। सब लोग कल सुबह ट्रेन में जा रहे हैं। तू जिसे गर्लफ्रेंड बोल रहा है वो इवनिंग फ्लाइट में जा रही है, उधर कुछ जरूरी काम है। अगर तुमसे हो सके तो जाकर उस फ्लाइट को रोको, वरना अपने प्यार को यही खत्म कर दे। ऐसे क्यों घूर रहा है? उसको घूर के देखा क्या? इतने दिन से उस लड़की को छेड़ रहा था, कभी उसके सामने खड़े होकर उस लड़की को आई लव यू बोला क्या तुमने? बोलो। नहीं ना, इसीलिए हम सारे फ्रेंड्स गुस्से में हैं। ए, दुनिया में एक इजी काम है और एक मुश्किल काम है, ऐसे दो काम है। हे, ये कुछ तो अच्छा बोलने वाला है। लेकिन वो दोनों एक ही हैं। उलझा दिया। क्या वो नहीं समझा क्या? मैं समझा नहीं। सुन, दुनिया में जो सबसे इजी काम है वो है प्यार करना। ओहो। लेकिन दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है वो है उस लड़की से प्यार का इजहार करना। अच्छा, ये बता कि अब तू क्या करने वाला है? मैं आज ही जाकर अपने प्यार का इजहार करूंगा। ये भी बैग उठा के चल दिया। इसका भी कोलकाता जाने का इरादा है क्या? कौन चलेंगे? हाँ जी मैडम, बैठिए। ऑटो। भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अंदर गर्भवती महिला तड़प रही है, जरा इसे हॉस्पिटल तक छोड़ दो ना। भाई अंदर पैसेंजर बैठी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज उन्हें हमारे साथ ले चलिए। आइए आइए। हाँ चलिए चलिए। बैठा, संभल कर। ड्राइवर, फास्ट, फास्ट प्लीज। टाइम पास नहीं हो रहा तो इधर आके फालतू बातें मत किया कर। उधर गजापति भाई मीटिंग में बात कर रहे हैं, तू उधर जाकर सुन सकता है ना उन्हें? चार अच्छी शब्द तेरे कान में जाएंगे तो कुछ पाप नहीं होगा, चल जा। और जाते समय ग्लास दुकान में दे देना, चल जा। आया फालतू बात कर रहे हैं यहाँ पे। महेश्वरी, वो कोलकाता वाली लड़की आ रही, उसके लिए गीता निकाल के रख। मैडम, सोचा था दुकान में आएगी, ये तो हॉस्पिटल जा रही है। हाथ तोड़कर नीचे डालू क्या? पूछा हमारे गजापति ने। ऐसे महान वीर हैं ये, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमारे नेता यही हैं, गरीबों के मसीहा हैं। ओके ओके, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आराम से। हम गरीबों की सारी मुश्किलों को दूर करने वाले हमारे नेता गजापति अब यहाँ पधार रहे हैं। हम सब बहुत भाग्यवान हैं जो गजापति जैसे नेता हमारे बीच में हैं। गजापति ने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया, हम गरीबों के लिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट हो तो फोन करना। सर क्या है? फोन है सर। कहाँ से? दिल्ली से सीबीआई ऑफिसर बात करना चाहते हैं। क्या बात है? कुछ जरूरी बात है सर, आपकी सुरक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं सर। वो कई बार उस सिलसिले में जेल भी गए।
ऐसे क्या बात है, बोलिए गजापति जी, जो कि बिल्कुल उनकी। यहाँ मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, जरा रुकिए। फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से धमकी है, स्वागत कीजिए, इनका हौसला बुलंद कीजिए। वो सब ऐसे ही आते रहते हैं, ऐसी बातों से मैं नहीं डरता, मुझे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑटो से अभी इसी रास्ते से गई थी ना? हाँ। ऐसा लगा जैसे आप बुक लेना भूल गई हो। इसे कैसे भूल सकती है? यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग हैं, चाहो तो कुछ पुलिस वालों को यहाँ भेज दो, हम उन सब लोगों को भी सुरक्षा दे देंगे। क्या साहब, ये अपना एरिया है, ये लीजिए आपकी गीत। आपके बैग से कुछ आवाज आ रही है। इसमें बॉम्ब है ना? वही लड़की है, ये वही लड़की है जिसने बॉम्ब रखा है। हाँ, मैंने। कौन वो? हाँ सर, सर वही लड़की है, वो मेरे साथ ही ऑटो में आई, ये देखिए जेलेटिन स्टिक। मैंने, मैंने। उस दिन बोली थी उसके बैग में बॉम्ब रखा हुआ है, मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन जो सच है वो ये। पकड़ो उसे, पकड़ो, भाग नहीं पाए। ए, रुक जाओ। ए, लड़की। इधर से एक हरे रंग की चूड़ीदार में लड़की को भागते हुए देखा। नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं देखा। चाहे वो कहीं भी छुप जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, उस तरफ जाकर देखो। हमारे साथ जो 14 लोग थे वो लोग मारे गए, उनके परिवार से जाकर मैं नहीं मिलूं क्या? लेकिन ऐसी स्थिति में आप कैसे जा पाएंगे? क्या है ये, क्या स्थिति है? मुझे ये ड्रिप्स वगैरह नहीं चाहिए। उस वक्त मेरे साथ जो था पेरुमल, वो मेरे राइट हैंड जैसा था, मैं उससे जाकर नहीं मिलूं क्या?
उसका क्रियाकर्म होने से पहले मैं उसे एक बार भी नहीं देख सकता हूँ। उसके लिए बाकी आदमी है ना। कौन है? अपने लिए कौन है? मेरे लिए कौन है? अपने लिए हम ही हैं। एक्सक्यूज मी, पापा कहाँ हैं? वो आईसीयू में है। मातम मनाने से मना कर रहे हैं। पापा अब ठीक तो है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा हुआ मोबाइल फोन की वजह से जान बच गई। हाँ हाँ, ये मोबाइल फोन की बात करने का समय है। वैसे भी शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे, तू घर जा, सब कुछ ऐसा ही छोड़कर आए हैं। ए, देखो बाहर कुछ भी सही नहीं है, तुम घर पर जाओ, घर पे ही रहना। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड ट्रैक कर दिया है सर, जिस पर भी शक होगा उसे इमीडिएटली अरेस्ट कर देंगे सर। है यही बड़ा है अब पकड़ने वाला। अरे इन पे भरोसा करना बेकार है। शहर के एक एक गली में मैंने उसको ढूंढने के लिए आदमी भेज दिया है, कल सुबह से पहले वो पकड़ी जाएगी। उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और उसे जलील करके ऐसी मौत देंगे कि उसकी रूह कांप उठेगी। पापा को कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में हैं, आप फिक्र मत कीजिए, जाइए। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कमांडो कैप्टन के साथ आपातकालीन सलाहकार बैठक कल राष्ट्रपति महल में होने वाली है। आज शाम को चेन्नई तिरुवेली केनी के मातृत्व अस्पताल के उद्घाटन के लिए आए श्रीमान गजापति पीएम को बम से मारने की साजिश की गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से माननीय गजापति जी बच गए, बस थोड़े घायल हुए हैं। श्रीमान गजापति इमरजेंसी में एडमिट किए गए हैं। इस बम ब्लास्ट में कलकत्ता की एक लड़की शामिल है ऐसा कहा जाता है, पर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। अर्ता कोई है, इसे कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट। बताया था कि रैकेट बॉम्ब और घटनास्थल पर पाई गई थी। पुलिस अपनी जांच कर रही है। मैं तो डरी गया, निशाना चूक गया। गजापति अब की बार तो बच गया रे, कमीने। देखो ये बात भूलना मत कि अब हर जगह पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होगा। फिलहाल शक होने से पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शादी के वीडियो कवरेज में वो लड़की है सर। बॉम्ब ब्लास्ट में इसका हाथ है, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? 4-5 दिन से ये लड़की इसी एरिया पे नजर रखे हुए है सर। मंदिर में फोटो खींच रही थी, मैंने उसे भगाया सर। मेरी दुकान में वो बुक खरीदने आई, उसके बैग में बॉम्ब है ऐसा उसने बोला सर। वो बाहर से आई हुई लड़की है सर। वो क्यों उस प्रसूति गृह में गई थी मुझे पूरा यकीन है सर। वो बम उसी ने रखा है। बम रखने के बाद जब बम ब्लास्ट हुआ तो वो मेरी दुकान से भागने की पूरी कोशिश कर रही थी सर। सर मेरे स्टूडियो में प्रिंट निकालने के लिए दिया था सर। सर वो लड़की मेरे साथ ही ऑटो में आई थी, उसके पास जेलेटिन स्टिक थी। मैं यकीन से कहता हूँ सर ये उसी का काम है। गजपति जी की जान इस समय बहुत खतरे में है सर। मिस्टर नायर, सर बॉम्ब ब्लास्ट में इसका हाथ है, इसे जल्द से जल्द अरेस्ट करो। सर अब आपकी तबीयत कैसी है? देखिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो 16 लोग थे उनकी मौत हो गई है, ऊपर चले गए। सर आपको किसके ऊपर शक है सर? शक करने से कुछ भी नहीं होगा, जिसने वो बम रखा था उसको ढूंढना जरूरी है। सर आपके कितने दुश्मन है सर? नजर के सामने तो अब तक कोई दुश्मन नहीं है, अगर मेरी पीठ पीछे कोई होगा तो देखना पड़ेगा। सर ये कोई राजनेता है या आतंकवादी? सर जो दूसरों का पद छीन लेते हैं वो राजनेता होते हैं, और जो दूसरों की जान ले लेते हैं वो आतंकवादी। इन दोनों में बस यही अंतर है। अगर आप एमपी बन गए तो आतंकवादियों के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे? आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना ही मेरा लक्ष्य है। आतंकवादी एक लड़की है बोला जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना ही मेरा लक्ष्य होगा। मैंने अभी कहा, आपने सुना नहीं? आज शाम को चेन्नई तिरुवेली केनी के मातृत्व अस्पताल के उद्घाटन के लिए आए श्रीमान गजापति एमपी को बम से मारने की साजिश की गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से माननीय गजापति जी बच गए, बस थोड़े घायल हुए हैं। श्रीमान गजापति इमरजेंसी में एडमिट किए गए हैं। इस बम ब्लास्ट में कलकत्ता की एक लड़की शामिल है ऐसा कहा जा रहा है, इसका एक सबूत भी मिला है। कौन है मैडम? जहाँ पर हादसा हुआ था वहाँ से 12 का वीडियो कैसेट मिला है। आप यहाँ कैसे? वो लड़की भागते हुए मैंने नहीं इसे आधार मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग मुझे मैंने हॉस्पिटल में कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ ठीक है, धीरे से बात करो, कोई सुन लेगा। अंदर चलो, आओ जल्दी अंदर आओ। मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज। अच्छा ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ बताओ। मैं जब ऑटो से आ रही थी तो एक प्रेग्नेंट लेडी को जहाँ पर हादसा हुआ था वहाँ से बारात का वीडियो कैसेट मिला है, इसमें वो लड़की भागते हुए अनजाने में रिकॉर्ड हो गई है। इसे आधार मानकर पुलिस इस लड़की की तलाश कर रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि किसी बुक स्टोर के मालिक ने भी उस लड़की को देखा था, और उस लड़की ने खुद बयां किया था कि उसके पर्स में एक बॉम्ब है जो 2 दिन में फटने वाला है।
इसी की बात मानकर पुलिस अपनी कार्यवाही आगे चला रही है। जैसे ही वो लड़की मिल जाएगी पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, यहाँ तक की हर जगह पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ाई है। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में हो रहा है। तुम थोड़ी देर यहाँ पर रहो, मैं देखता हूँ कौन है। ब्रेक के बाद हम आपसे वापस मिलते हैं और बताएंगे कि आगे क्या क्या खबर मिली है। तब तक आप हमारे लौटने का इंतजार कीजिए। हीना, जरा इधर। घर के चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दी है सर, पूरे एरिया को कवर किया है सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं। ठीक है माँ। क्या कर रहा था? नहीं कुछ नहीं माँ, वो ऊपर में। ठीक है अंदर चल। अंदर आओ। आप टेंशन मत लीजिए, आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब हेलो। हाँ सर, साहब हॉस्पिटल से आ गए हैं। एक मिनट सर, साहब होम मिनिस्टर लाइन पर हैं। हेलो, गजपति हियर। सर आई एम ऑल राइट बट एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट। 16 हाँ सर, 16 फैमिलीज। आई नो व्हाट टू डू। दादा, इधर आइए। कहाँ जा रहे हो? अरे ऊपर अंधेरा है, लाइट ऑन करने जा रहा था। वो सब मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप जाइए, वो बुला रहे, जाइए। आओ आओ, जल्दी आओ। बैठ जाओ प्लीज। तुम्हें चोट लगी है, ये लो फर्स्ट एड। बम लगाने वाले चिंता नहीं करते और चिंता करने वाले बम नहीं लगाते। इस तरह के काम करने के लिए बहुत ही हिम्मत होनी चाहिए, वो हिम्मत तुम्हें नहीं है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो पता नहीं मेरा क्या होता। डरो मत, पहले तुम ये फर्स्ट एड कर लो। वैसे तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? बीच रास्ते में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका ऑटो खराब हो गया था। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया। तुम प्लीज ऐसे रो मत। कौन है? मूर्ति। हाँ आता हूँ। हाँ पापा ने कॉर्डलेस फोन मंगवाया है। कॉर्डलेस? क्या? हाँ थैंक्स। ये ड्रेस बहुत गंदी हो गई है, बदल लो इसे, बिल्कुल नहीं है। वहां उस रूम में SIPTSCDDO, यहाँ पर STD नहीं है क्या? हेलो, ऐसे कोई पढ़ता है क्या? मुझे पता है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। ये बताइए कि ये फोन सिर्फ लोकल है क्या? लोकल आप हो, ये STD है। ओके डियर। माँ क्या हुआ, पूरी रात ठीक से सोया नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, इंटरनेट पे काम कर रहा था। क्या? कंप्यूटर पे काम कर रहा था। ओके कुछ काम है क्या? मनु का फोन है। अच्छा मनु का फोन है, ठीक है मैं बात कर लूंगा। आप जाइए ना माँ। हेलो वसंत। हाँ बोल भाई। अरे यार आवाज भी नहीं पहचानता। हाँ बोलना क्या हुआ? वो मंदिर के फंक्शन में आया था, फ्रेंड्स लोग बाहर ही खड़े हैं, हमने टीवी में देखा, बहुत शॉक लगा यार। अभी पापा ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ही सेफ, ही इज फाइन। तू बता बात क्या है? उस लड़की को तूने देखा, बात किया, तूने प्यार का इजहार किया? अब मैं तो मिला ही नहीं उससे, और ना ही मिलने का मौका मिला, मैंने मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? ठीक है छोड़, मैं वहां आने के बाद इस मैटर को डील करूंगा। रखो क्या?
ओके यार, कितना हुआ? 19 रुपए हुए। 19 रुपए? हाँ, 19 रुपए। पूरे 19 रुपए? अरे पूरे 19 रुपए हुए। ठीक है, 19 रुपए देता हूँ, देख ले, 19 रुपए का ही नोट है, कम नहीं है ना? हैं? अच्छे से देख, अच्छे से देख ना। ये क्या? हेलो पुलिस स्टेशन सर, यहाँ पर एक आदमी है जिसने मुझे अभी एक 19 रुपए का नोट दिया, भाग रहा है, जल्दी आइए। कॉफी? और तुम्हारे लिए? मैं बाद में पी लूंगा। थैंक्स। आर यू ओके नाउ? यहाँ किसी बात का डर नहीं है, इस रूम में कोई नहीं आएगा, अगर आएगी तो माँ आएगी, कभी कभार बहन या दादाजी आएंगे, लेकिन मैं उनको संभाल लूंगा। वो मैंने इसलिए लगाया ताकि पानी की आवाज ना सुनाई दे, इससे पानी की आवाज नहीं आएगी। तुम जाकर नहा लो। और तुम? मैं लॉक करके नीचे चला जाऊंगा। ओके। कॉफी पी ली ना? हाँ, ओके। चल यहीं से फोन कर ले। ना 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 रुरु हम धम हम दम मेरे। हाँ बिल्कुल, आर टू पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है, नंबर डायल करके बात करवा। मेरा घर टूट गया, मेरा घर। सॉरी दीदी, ये थोड़ा पागल है, आप जाइए। गीता मैं जा रही हूँ, जरा इन लोगों से संभल कर रहना। ओके बाय। फोन कर वसंत को। हेलो। हे वसंत, मैं मनु बोल रहा हूँ यार। हाँ मनु बोल, क्या बात है? आज कौन सा डे है पता है? सैटरडे है यार, भूल गया क्या? हमेशा की तरह सारे फ्रेंड्स तेरे घर पे आएंगे और तेरे रूम में बोतल खोलेंगे और मजे करेंगे, क्या कहता है? ठीक है? घर में? अभी मैं घर पे नहीं हूँ। घर पे नहीं है तो फिर किधर है भाई? मैं तो शहर के बाहर हूँ। शहर के बाहर है तू? शहर के बाहर है वो। अरे कितना बॉस आ रहा है, उसके पास बॉस गया तो फोन रख देगा वो, समझा क्या बदमाश? शहर के बाहर क्या कर रहा है? ए, मैं फ्रेंड के साथ हूँ। क्या फ्रेंड? यहाँ पर तेरे सारे फ्रेंड राउंड में खड़े हैं, वहाँ पे तूने कौन सा नया फ्रेंड ढूंढ लिया भाई? अरे वो मुंबई से आए हैं, इसलिए मैं उन्हें पार्टी दे रहा हूँ। अच्छा, मुंबई की पार्टी है क्या? ठीक है, रखता हूँ। एक्सक्यूज मी, कितना हुआ आपका? 2 रुपए। 2 रुपए? क्रेडिट कार्ड चलेगा क्या? नहीं। आप बहुत खूबसूरत हैं, पैसे नहीं दूं तो चलेगा क्या? इट्स ऑल राइट। लड़कियों को भी कितनी गलतफहमी होती है। हमारा नेता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम बिल्कुल मत डरना। क्या बात है? तुमने जिसको मारने की साजिश की ऐसा लोग कह रहे हैं ना, वो यहीं पर है। मेरे होम मिनिस्टर से मिलकर आने तक मेरी इजाजत के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये यहाँ पर कैसे? ये उन्हीं का घर है। मतलब तुम? मैं उनका बेटा हूँ। शहर के सभी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ही गुनहगार हूँ। सिर्फ तुम हो जिसने मुझे अपने ही घर के अंदर मुझे आसरा दिया। अगर तुम यहाँ खून करने के इरादे से आती तो मैं तुम्हें छोड़ता क्या? हा? तुम बेगुनाह हो मैं जानता हूँ, हीना। मेरे पिताजी को जो मारने वाले थे उनको मैंने देख लिया, अभी यही घर तुम्हारे लिए सेफ है। मुझे एक जरूरी काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुरंत आ जाऊंगा। तुम अकेली बोर हो जाओगी, पढ़ने के लिए बुक्स हैं, टीवी भी देख सकती हो, लेकिन वॉल्यूम जरा लो रखना। मैं अभी लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कोई आ गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा, चाबी मेरे पास ही है, मैं ताला लगा के जाता हूँ। ओके, कोई टेंशन नहीं है। ओके बाय। कहाँ जा रहे बेटा? माँ, वो पास में बुक की दुकान तक जाकर आता हूँ। ठीक है, जाकर आ। भैया हमेशा बाय बोल के जाते हो, आज ऐसा क्या हो गया? ओके बाय। ला 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 ला। आज ताला मार कर गया तू? कोई बात नहीं, सारे रूम की डुप्लीकेट कीज है ना मेरे पास। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, सबसे पहले थोड़ी ड्रिंक की तैयारी की जाए, उसके बाद एसी चालू करूंगा। ड्रिंक्स के साथ थोड़ा जरूरी है एंटरटेनमेंट। हाँ
छोड़िए मुझे सर, मुझे छोड़िए। रुकिए रुकिए, जिसने मेरे बाप को मारने की कोशिश की। सर रुकिए, छोड़िए उसे, इसको मैं जान से मार दूंगा। मेरे बाप को बम से उड़ा रहा था, इसी ने बम रखा था। ओके ओके, मैं आ गया हूँ ना, यू डोंट वरी। बता इस बम ब्लास्ट में और कौन कौन है तेरे साथ, बता। नहीं मालूंगा। नहीं बोलेगा? चाहे मुझे मार दो पर नहीं बोलूंगा। बोल। दादी, दादी क्या हुआ? देखो दादी, मैं रूम लॉक करके गया था और इनको देखो दरवाजा खोलकर यहाँ रायता फैलाया है। क्या है ये सब? इनको यहाँ से नीचे लेकर जाओ। ओह जल्दी। इसी मुसीबत की वजह से मैं बार बार गांव चली जाती हूँ। उठिए, अरे उठिए, चलिए। प्लीज वेक अप हीना। हीना आर यू ओके? कहाँ चली गई होगी, क्या हुआ होगा? ये सब होगा मैंने सोचा नहीं था। दरअसल बात यह है कि तुम कब से एक ही ड्रेस में हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेने गया था, इतने में ये सब हो गया। तुम जब तक गांव नहीं जाओगी तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम इस मुसीबत से बच सकती हो या नहीं, या मैं तुम्हें सही से बताऊं? वो कैसे? हाथ की रेखा देखकर। कम ऑन, अपना हाथ दो, इसमें मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूं। अरे मर्द का राइट हैंड होता है, औरत का लेफ्ट होता है, बोलो। अभी मैं जो कुछ भी बोलूंगा उस पर यकीन करना पड़ेगा। तुम्हारा मनपसंद कलर कौन सा है? येलो। येलो? हाँ। मनपसंद फ्लावर? जैस्मिन। जैस्मिन? या। पसंदीदा बर्ड? पीकॉक। पीकॉक? मनपसंद आइसक्रीम? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ठीक है। हाँ। अभी मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के जवाब देना। हाँ, पूछिए। तुम्हारा पसंदीदा सोप? पियर्स। पियर्स? एक काम करो, वो पियर सोप से हाथ वॉश करो, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मुझे क्या पसंद है बताऊं? बताओ। मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। Tell me. नहीं कुछ नहीं। क्या बात है यार, बहुत खाओ 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 खाओ। Excuse me, आप मनु को ढूंढ रही हैं? हाँ। यही बैठा है। ए मनु, उस दिन तुमने ठीक नहीं किया। क्या? आधे में स्केप हो गए थे ना? उस दिन स्केप हो गया था, लेकिन आज तो फंस गया ना, इसे पकड़ो और ए मनु, इसे क्यों दे रहा है तू ये? पिकअप ड्रॉप प्रॉब्लम होते रहता है यार। Excuse me, ये लीजिए।
अगला चैन इसका उतरने वाला है। मेरी चैन की फिक्र छोड़, इतना सारा खाना मंगवा लिया है, इन सबका पैसा कौन भरने वाला है? मेरे पास पैसे कब थे? फिर वसंत ही तो पे करने वाला है। लेकिन वो तो है नहीं, उसको इधर बुलाऊंगा। कैसे? देखता जा। वेटर, क्या चाहिए सर? तुम नहीं चाहिए, फोन चाहिए। थैंक यू, यू मे गो। ओके सर। हेलो, मैं मनु बोल रहा हूँ यार। हम सब बसेरा रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो इधर ही आ जाना भाई। वो क्यों? वो तेरी कोलकाता वाली इसी रेस्टोरेंट में मेरे सामने बैठ करके खाना खा रही है। ऐसा क्या? वो वहां पर है क्या? हाँ यार, वो हमारी तरफ ही देख रही है। आई थिंक शी एक्सपेक्टिंग यू। तो यहाँ पे आ जा, उससे दो बातें कर लेना और हमारा पेमेंट भी दे देना। पर्स नहीं भूलना है। मैं अभी वहाँ आने की सिचुएशन में नहीं हूँ। आने की सिचुएशन में नहीं है? अगर तू नहीं आएगा तो हम जाने की सिचुएशन में नहीं रहेंगे। आके हम लोग की इज्जत बचा ले यार। तो ठीक है, उसे मेरा हाय बोल देना। बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? रख दिया उसने। पसंद नहीं आ रहा है क्या? अब वो आएगा ऐसा लग रहा है मुझे। वो आया नहीं आए पर वो देख वेटर आ रहा है। वेटर इधर क्यों आ रहा है? सर बिल। इट्स ऑल राइट, बट आपकी सर्विस मुझे पसंद नहीं आई। सर ये क्या बोल रहे हैं? इस चिकन का नाम क्या है? सॉरी सर, काटते वक्त पूछा नहीं। मजाक कर रहा है तू? हैं? इस मरेली मुर्गी को किसने मारा है? सर बात मत बनाइए, कैश पे कीजिए। तू बात कर। तू हमें कैश पे करने को कह रहा है? हमारा फैमिली बैकग्राउंड तू जानता नहीं। okay, तुझे तो मैं कंट्रोल तू जानता है हम क्या कर सकते हैं। कूल 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 प्लीज। ओके, हमारे बारे में ये नहीं जानता। क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करोगे? यस सर। सिटी बैंक? यस सर। एचएसबीसी? यस सर। कॉर्पोरेटिव? यस सर। एबीएन एमरो? यस सर। ओके, आई विल गिव द गोल्ड मल्टीनेशनल कार्ड ऑफ माय फैमिली। ओके या थैंक यू सर। तेरे पास इतने सारे कार्ड्स हैं, अभी तूने कौन सा कार्ड दिया? जो दिया वो विजिटिंग कार्ड है। जान बचानी हो तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। वर्तमान तूफान के कारण लगातार बारिश होने की वजह से खतरे की निशानी के तौर पर 5 नंबर का झंडा लगाया गया है। इसीलिए अगले 36 घंटे तक मछुआरे समुद्र के अंदर मछली पकड़ने ना जाए, इसके लिए चेतावनी दी गई है। चेन्नई में सारे स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। हेलो, यस रेलवे इंक्वायरी। आज सारी ट्रेन चल रही है क्या? कुछ ट्रेन कैंसिल हुई हैं। आपको किस ट्रेन की जानकारी चाहिए? कोलकाता के लिए अगली ट्रेन कौन सी? वो चल रही है सर, करमंडल एक्सप्रेस 9:30 AM। हीना चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? पूरे शहर में बारिश हो रही है और साइक्लोन भी फॉर्म हुआ है। पुलिस सिक्योरिटी अभी बहुत वीक होगी, तुम्हारे गाँव जाने का यही सही समय है। चलो जल्दी। मैं कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका मिस किया हुआ ये दुपट्टा। ये रख लो, चलो जल्दी। हीना आओ आओ जल्दी। वहां पर जाके छुप okay. जाना, मैं बाइक okay. लेके आता हूँ। ओके okay? जाओ। अरे इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? जल्दी चलो चलो
जल्दी। अरे क्या हुआ? मुझसे नहीं हो रहा, मैं अब और नहीं चल पाऊंगी। सॉरी। अच्छा देखो, 10 मिनट में ट्रेन आने वाली है, स्टेशन पास में ही है, जल्दी जाएंगे तो पकड़ लेंगे। यू कैन डू इट, कम ऑन कम ऑन। चलो जल्दी उठो। वाटर दे रहा और तू फुल बोल रहा है, दूंगा एक दिमाग पे। देखो भाई, लड़की लेके किधर भाग रहा है? लव है क्या? घर छोड़ के भाग रहा है? ए, आधा घंटे इस लड़की को हमें दे दे, क्लास लेके छोड़ देंगे इसे। ये लोग क्या बोल रहे हैं? हॉस्पिटल जाने का रास्ता पूछ रहे हैं, जरा इसे बता देता हूँ। तू अपने आप को ज्यादा शाला समझ रहा है क्या? चलो। अच्छे से ख्याल रखना। थैंक यू। तुमसे बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तुम्हारा फोन नंबर? तुम्हें पता नहीं? एक बार तुमने बताया था लेकिन मेमोरी में नहीं। 382 5। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। 78382। सुनाई नहीं दिया।
यार इतना ओवर क्राउड क्यों हो रहा है? ये कोलकाता है या ऐसा ही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए कहा था आउटर में ही चैन खींच कर उतर जाते हैं। तूने सुना? खींचना चाहिए था ना। हाँ खींचा ना, लेकिन एक ही चैन हाथ में आया। चोर कहीं का? कुछ नहीं, यहाँ की भाषा नहीं आती ना, इसीलिए खर्चे के लिए किया ये। ठीक है, ये अलग टाइप का शहर है, छोटी सी बात के लिए रैली निकाल देते हैं, इसीलिए इसका नाम बदल कर कोलकाता कर दिया है। देख 3 महीने से हिना करके बीन बजा रहा है तू। ऐसा कुछ नहीं है यार। अरे क्या कुछ नहीं है, 3-4 दिन से भाग भाग कर मेरी हालत खराब हो गई है। हम लोग उससे मिलेंगे और अपने शहर वापस जरूर लेकर जाएंगे। तूने उसका एड्रेस घुमा दिया, फोन नंबर भूल गया, इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढेंगे? वो जिस कॉलेज में पढ़ रही है वहां से। ए, वेट, 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 वेट। टैक्सी मिल चाहता है, मेरी बंगाली उसे समझ में नहीं आई है। आजा उससे पूछते हैं, आजा। ड्राइवर जी चलेगा चलेगा चलेगा? ना 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 ना। अरे चलेगा चलेगा चलेगा? ना 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 ना। अरे वो नहीं आ रहा है, चलना दूसरी टैक्सी ले लेते हैं, चला जा। अरे वो नहीं बसंत, इस आदमी को ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने देखा हुआ है, इसीलिए इससे बार बार पूछ रहा हूँ। ओ चलोगे चलोगे चलोगे? अरे भाई कहा ना मुझे नहीं चलना है, तो बार बार क्यों परेशान कर रहा है? ए, अभी ये यहाँ का लोकल आदमी लगता है, तो अपने शहर में इसे कहाँ से देखा हुआ तूने? तुझे ये बंगाली लगता है? अभी देखना ये कैसे हमारी भाषा में बात करेगा। देखा, इसे अपनी माँ याद आ गई। मैं बोल रहा था ना कि इसे कहीं ना कहीं देखा है मैंने। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ सर। फिर हमें देखकर डीके में मुंह क्यों छुपाया? उसकी एक वजह है सर। क्या? आपके पापा से कर्जा लेकर मैंने एक फाइनेंस कंपनी स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ के लोग मुझे समझ नहीं पाए, इसीलिए यहाँ भाग कर आ गया। ए, वहाँ के लोगों ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली, इसीलिए तू कोलकाता भाग करके चला आया? अब ये सब जाने दीजिए सर, आप किस लिए कोलकाता आए? एक लड़की का मामला है। मनु तू जरा चुप रहे यार, देखो हम लोग यहाँ एक लड़की को ढूंढने आए हैं। उनका एड्रेस दीजिए। वो सब हम कार में रास्ते में बताएंगे, अभी सीधा किसी होटल ले चल। होटल में क्यों सर, गाड़ी में चलिए। फिर हम गाड़ी में ही रहेंगे। मैं अपने रूम में रहने के लिए कह रहा हूँ। इसे कहाँ से पकड़ लिया? मैंने कहाँ पकड़ा, ये तो खुद ही आकर चिपक गया। देखते हैं कोलकाता में हमारे साथ क्या क्या होता है। ये आ गया अपना घर सर। ऐसा है क्या? हाँ। ड्राइवर ये सारा लगेज अंदर रखेगा। My name is गणपति। तो रख लेना, मैंने बदलने के लिए थोड़ी बोला। ए, उसको परेशान मत कर यार, चल। देखो भाई अब हम लोग यही रहने वाले हैं। कहाँ लेकर के आया है हमें, यहाँ कोई इंसान भी रहता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। कोलकाता में ऐसा ही चलता है, इसे चौल कहते हैं। चौल? हाँ, हाँ। दूसरे राज्य के लोग यहाँ ज्यादा है, तुम्हारे यहाँ के भी 12 families हैं। 12 families? क्या झूठ बोल रहा है, यहाँ पे सारी म्यूनिसिपालिटी भरी हुई है, मैं यहाँ पे कैसे रहूंगा? तो जाओ, ये यहाँ रहेंगे। ठीक है। ये क्या जाने के लिए? जाने के लिए बोल रहा है तो जा ना। तो तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाथरूम? बाथरूम वहाँ है, कॉमन बाथरूम उधर। कॉमन बाथरूम क्या होता है? एक बाथरूम, एक टॉयलेट, सब लोग उसको यूज करते हैं। एक ही बाथरूम को सब लोग यूज करते हैं? अगर एक साथ 3-4 लोग अंदर चले गए तो बैठेंगे कैसे? आस पास या आगे पीछे या पीठ चिपका करके बताओ ना। हाँ ऐसे बैठेंगे तो 1 रुपए के सिक्के में बने शेर जैसे हो जाएंगे। अबे गंदी बात मत कर। गणपति? ओ गणपति केमोना छे। ये क्या भाई, ये तुझे गर्भवती क्यों बुला रही है? चुप रे, बंगाली में केमोना छे मतलब कैसे हो? तो फिर क्या जवाब दूं इसको मैं? हाँ भालू आचे। भालू आचे? ये क्या सबको भालू बना दिया? अभी तो भालू ही बने हैं, पता नहीं क्या क्या बनने वाले हैं यहाँ। केमोना छे, ये क्या बकवास करता है, चल भाग यहाँ से। बाबूजी जा रहा हूँ, अबे चल तो गुस्सा हो रहा है, क्या कर रहा है तू भी? अरे भैया यहाँ पर एड्रेस होने के बाद भी किसी को ढूंढना मुश्किल होता है, और आप तो बिना एड्रेस के घूम रहे हो, कैसे ढूंढोगे उसे? गणपति वो किस कॉलेज में पढ़ती है ये पता करने के बाद उस कॉलेज के सामने जाकर खड़े, और वहाँ पर आप बैंड बजाएंगे। अरे उस कॉलेज में लगभग 4,000 लड़कियाँ पढ़ती है, ये है वो है, मैं सबसे जाकर पूछूंगा, आप बोलोगे हाँ या नहीं, और जो पास में लोग होंगे वो हमारी हड्डी पसली एक कर देंगे। यहाँ एक आदमी हाथ उठाता है तो 100 लोग हाथ उठाते हैं। क्यों मार रहे हैं किसी को पता नहीं, लेकिन हमारे हाथ पैर टूटे हुए मिलेंगे। हाँ, ये तो हमारे गांव जैसा ही है, ऑल इंडियंस आर सेम इमोशंस। ए चुपचाप अपने गाँव चलते हैं क्या? ए चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके बिना वापस नहीं जाऊंगा। हाँ, इन लोगों को देख करके तो मेरी बीपी बढ़ गई है, एक से एक तितलियां उड़ रही हैं। अरे कोलकाता है भाई, यहाँ के बारे में जो सुना था बिल्कुल सही सुना था। अरे रे अकेले खड़ी है, पटा लूं क्या? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे सुनो हीना किधर है, बंगाली में पूछोगे तो अपने आप पट जाएगी। देखो मैं कैसे पटा रहा हूँ। हर बार तू ही जाके बात करेगा, मैं नहीं कर सकता। अरे क्या? तुम्हें बंगाली नहीं आती? तो मुझे बंगाली सिखा। अभी तुम्हें क्या सीखना है? हीना किधर है तू मुझे बंगाली में बता, मैं जाकर उसे पूछूंगा। बस इतना ही ना। आमी हीना के देखे एस चलम। अच्छा ऐसे, किंतु आपना के देखे पेलम। हाँ ठीक है, आपने 1 hour जो ने कतो चार्ज करबे। अरे बेवकूफ, हीना किधर है ये लाइन सिखाने में इतना टाइम लगा दिया। वो आता है ना बंगाली में, आता है क्या? हाँ हाय
सिग्नल दे रही है। एक बार फिर से बता कैसे बोला था। आमी हिना के देखे एस चलम, किंतु आपना के देख के पैलम। पैलम आपने वन आवर जो ने कतो चार्ज कर बे। तू वन आवर कुछ बोल रहा था? इसका मतलब एक घंटे से हम ढूंढ रहे हैं। इतना ही ना? नहीं अभी देख, हिना को भी ढूंढेंगे हम और ये काम भी करेंगे हम। बस तू देखता जा, अभी दिखाता हूं अपना कमाल। हां जा जा, पूछ पूछ, आज देख तेरी क्या गत बनती है। हेलो। यस। वो ऐसा है कि आमी हिना को देखी चालम, किंतु उसमें आपनी को देखी पैलम। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने वन आवर जोने कौते चार्ज कोर्बे। What? अभी तक इसे थप्पड़ क्यों नहीं पड़ी? मैं नहीं आस्किंग दीदी, वो दाढ़ी वाला आस्किंग, या वो आस्किंग, या जाके पूछ बे। ये दोनों मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? He is the one? हाँ जी। पक्का बुद्ध बोका। गाली दिया उसने क्या? उसने मुझे क्यों मारा? सही से बोल, तूने मुझे क्या सिखाया था बता? तुम हमारे साथ एक घंटा रहने का क्या चार्ज लोगी? यही कहा था, इसीलिए लगा के जा रही है तुझे। लेकिन तुम्हें मारना चाहिए था, मुझे क्यों मारा? तूने बोला ऐसा, मैंने उसको बता दिया ना जाकर। कितना कमीना है तू। तू कोलकाता का टैक्सी है तो मैं अपने यहाँ का ऑटो हूँ। राइट में हाथ दिखाएंगे, लेफ्ट का इंडिकेटर जलाएंगे, लेकिन सीधा जाकर पुलिस को कंफ्यूज कर देते हैं हम लोग। हमसे जरा संभल कर, वो दिल का मरीज बन गया है, उसे कैसे ठीक करना है चल के पूछते हैं। ठीक है। अरे तू तो उसे पटाने वाला था। अरे वो टॉर्चर टाइम पीस लग रही थी। अरे दोस्त चल उधर चलते हैं। उधर देख लिया गया, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। हाँ सही है। ए टाइम बन करा रहा है इसे। एक्सक्यूज मी सर, वन सेकंड प्लीज। हमरा हिनार सॉन्गेर देखा करते सीसी। ओ ए कॉलेज ए विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स करु छे। व्हिच ईयर? हे इंग्लिश में बोल रहे हैं, तू भी बात करना। शी इज डूइंग अ सेकंड ईयर। मे आई नो हु यू आर? वी आर वेरी क्लोज। वेरी क्लोज मींस रिलेटिव? नो, फ्रेंड्स। इन दैट नेम नोबडी स्टडीइंग हियर। आर यू श्योर? बिकॉज़ वी चेक द अदर टू कॉलेजेस एंड ओनली दिस कॉलेज इज लेफ्ट एंड आई गेस शी इज स्टडीइंग इन दिस कॉलेज। आपने की भालो करे जानन? आर यू बंगाली? नो वी आर इंडियंस। बहुत टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। चिंता मत कर दोस्त, हम तुम्हारे साथ हैं। मिल तो कभी बताता हूँ तुझे, चल। शेषा। हाँ माँ। कॉफी पी लो बेटा, तैयार हो जा, टिफिन तैयार है। जाते समय अपनी बहन को ले जाना, उसे कॉलेज ड्रॉप कर देना और उसके बाद टेलीफोन एक्सचेंज जाकर बिल भर देना। ठीक है माँ। वो कहाँ है? हाँ, कॉलेज का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक ना ही नहीं है। गुड मॉर्निंग। शुरू हो गई मस्ती तुम दोनों। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप करता हूँ। ओके मैम, जल्दी आना। जी बिल्कुल मैम। ए लो सो, और कुछ चाहिए तो बोलो।
एंजॉय। क्या रे बड़ा एंजॉय? फाइव स्टार होटल में स्कॉच विस्की पीने वाले इंसान को इस छत पे बिठाकर शरबत के गिलास में पैक पिलाने की कोशिश कर रहा है तू, हैं? तेरा भला नहीं होगा। सर, जिस काम के लिए आप आए थे वो तो सक्सेस हो गया ना, अब क्या? क्या सक्सेस हो गया है? सिर्फ एक बार इसने उस लड़की को ट्रेन में देखा था, ट्रेन चली गई, वो भी चली गई, पता नहीं इस जन्म में मिल पाएगा कि नहीं। ए? अरे ऐसे गेस कर रहा था यार। ए, बेवकूफ। यस प्रोसीड। चुप। अरे तो बोल कब रहा था? बसंत सर, वो लड़की स्टेशन के आसपास के कॉलेज में ही पढ़ती होगी, कल सुबह जाएंगे तो जरूर उससे मिल सकते हैं, लेकिन इस कबाब के हड्डी को लेकर मत जाना। मैं कबाब में हड्डी हो नहीं क्या? क्या क्यों नहीं बोलेगा है? हाँ। ये मेरा मजाक उड़ा रहा है और तू चुपचाप बैठा हुआ है, तू भी कुछ बोल ना। मैंने उसको मिस कर दिया यार। मिस हो गई तो क्या हुआ, एक खंभा मार, कल ढूंढ लेंगे उसे। गणपति, ओ गणपति, केमो नाचे। हाँ भालो अच्छे। क्या चक्कर है यार, ये सिग्नल हर 4-5 घंटे में एक बार आता रहता है। अरे जाना जल्दी। कल तू कितने बजे ड्यूटी पे जाएगा? 7 बजे सुबह ना? हाँ सुबह। कल पूरे दिन मैं खाली रहूंगा, ट्राई करके देखता हूँ। इसका पति 7 खून करने के बाद अंदर है। इसका मतलब क्या है भाई? इसके पति ने 7 खून किया और अभी वो जेल में है, 4 दिन के बाद बाहर आने वाला है। 4 दिन में वो बाहर आने वाला है? जी हाँ। तुम्हारी सिस्टर ठंड में बाहर क्या कर रही है, इसे अंदर भेजो ना। है ना लाइन पर। ए तू जा। ठीक है अच्छे। ए मनु, ये वॉच करने वाला वॉच क्लॉक है क्या? ये रिस्क वाला रिस्ट वॉच है भाई। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, कहीं बैठकर आराम से बात करें। ये लो, मैं तुमसे फिर मिलूंगी ये सोचा भी नहीं था, फोन तो कर लिया होता। तुमने दिया हुआ फोन नंबर और एड्रेस सब मिस हो गया मुझसे। अच्छा, किस काम से यहाँ कोलकाता आए हो? एक जरूरी काम से आया हूँ। वही तो पूछा, किस काम से? ऐसे अचानक पूछोगी, थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मैं अपना एड्रेस देती हूँ, मेरे घर जरूर आना। जरूर आऊंगा। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। हैव इट। तुम कल जरूर आना, भूलना मत। हाँ जरूर आऊंगा। बाय। क्या हुआ, तेरा फ्रेंड अब तक आया नहीं? भैया वो कोलकाता में नया आया है ना, कहीं भटक गया होगा। वैसे एड्रेस तो मैंने उसे दे दिया था, थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना प्लीज। नहीं आज नहीं, मुझे कोई जरूरी काम से अर्जेंटली बाहर जाना है। क्या भैया? मुझे भी उससे मिलने की इच्छा है, लेकिन जाना जरूरी है, किसी और दिन किसी और समय, लेकिन मिलूंगा जरूर। तेरी लवर यहाँ बुलाकर हम लोगों को भटका रही है। ये क्या है, ये कबाड़ बीच में क्यों लगा रखा है? ये इलेक्ट्रिकल जंक्शन बॉक्स है, यही नेताजी रोड है। क्या नंबर बताया तूने? 125 कॉर्नर वाला घर बताया। इधर है देख। हाँ, चला जा देखते। ये तो वही रिक्शा जिससे इंसान इंसान को खींचता है। आओ भैया, कब से तुम लोगों का वेट कर रहे थे, अभी जस्ट निकले हैं। अंदर आओ ना, बैठो। माँ वो लोग आ गए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तू भी बैठ। क्या लेंगे आप लोग? एक अनियन रवा और एक हाफ फ्राई पल्टी। हाँ? आइस वाटर प्लीज। ठीक है एक मिनट। मनु पुदीना चटनी मांगने वाला था, लेकिन सोचा कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। तू यहाँ पर भी? ए, तो इधर आ। क्या है, बात कर ले। क्या क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? अभी तू मुंह नहीं खोलेगा तो मुझे खोलनी पड़ेगी। क्या बड़बड़ा रहा है? मैं बड़बड़ा रहा हूँ, उसे ढूंढते हुए हमें आया है ना, उसका घर हमने ढूंढ लिया, उसकी फैमिली से भी मिल लिए, अच्छी फैमिली है यार, तुझे बात करनी चाहिए ना। अबे उसके बारे में क्या जाने भी। कुछ कुछ होता है, दिल चाहता है। थैंक यू। हे भगवान, माजी माजी कॉफी दीजिए। ये सब हिंदी सीरियल में देखकर सीखा है, अच्छी कॉफी है। हम भी कार्यकाल के पास थे,
बचपन में हम लोग कोलकाता आ गए, ये चेन्नई में फंस गई थी और आपने इसकी बहुत मदद की। अगर मेरे बेटे को ये पता चलता तो इसे जान से ही मार देता, क्योंकि ये उसे बताए बगैर ही चली गई थी। ऐसा है क्या? आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, नमस्ते, शुक्रिया। हाँ, आगे रहना। ओके। मैं इन्हें छोड़कर आती हूँ। हेलो मिस्टर सेन। हाँ, मैं शेषा बोल रहा हूँ। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। ये देखिए, ये गजापति का लड़का है, ये यहाँ आया हुआ है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। शाकिब, अपने दो आदमी मारे गए ना, अब हम भी दिखाते हैं। बाप तो बच गया लेकिन बेटा फंस गया। इसको इधर मारेंगे तो वहां उसका बाप तड़पेगा। उसको तुरंत मारना मत, पहले वो यहां क्यों आया ये जानो और फिर उसे मार दो। समझ गए ना तुम लोग? लिख लिया? अरे वो फोन तो किसी को उठाने के लिए कहो। माँ फोन बजा, उठाओ ना। हेलो। हेलो माँ, कैसी हैं आप? यहाँ सब ठीक है, तू कैसा है? कौन है फोन पे? कोई और नहीं, कोलकाता से अपना वसंत है। एक मिनट, पापा को देती हूँ। भैया है क्या कोलकाता से? मुझे तो ना बात करनी है। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ। कैसा है वो? अच्छा है, कोर्स खत्म करके जल्दी ही आने वाला है। उसने कुछ मंगवाया है क्या? अच्छा, कोलकाता की लड़कियां बहुत सुंदर होती है ना। अरे किसका फोन है? कोई पसंद आएगी तो मुझे जरूर अच्छा, बताना। पसंद का फोन है? ला, मुझे बात करने दे, तू जा। ए, तू उस लड़की से मिला क्या? बात की कि नहीं? हाँ। जाते वक्त तो तू सिंगल गया था ना, आते वक्त तू डबल होकर आना ना। ठीक है, अभी बिल मत बढ़ाओ, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। सॉरी, बहुत देर से वेट कर रहे हो क्या? नहीं, मैं तो अभी अभी आया। अब कहाँ चलना है? कहीं पर भी। ओके। कोलकाता क्यों आया हूँ ये पूछा था ना? उसकी वजह इस फ्लॉपी में है। कल मेरा बर्थडे है। ताज बंगाल में एक छोटी सी ट्रीट रखी है, मेरा बर्थडे गिफ्ट। इसके जवाब का इंतजार करेगा। जरूर। ये सब क्या चल रहा है? वो लड़का वापस चला गया क्या? नहीं माँ, उसने मदद की इसलिए थैंक्स कह दे। वो अलग है, हम अलग हैं। उसका और तेरा कोई मेल हो ही नहीं सकता, तू समझ रही है ना बेटा? हो गई है, अभी तक सोई नहीं, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं माँ। दूध भी नहीं पिया, ऐसा ही पड़ा है, ये ले। ये क्या है? ऐसा है, कुछ तेरे भाई के पैंट में मिला था जब वॉश कर रही थी, ये पकड़ ले। एक मिनट।
ये भूलना मत, सुबह उसे दे देना। ये सब ऑफ करके अभी सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे कहां गए थे तुम लोग? कब से इंतजार कर रहा हूं मैं यहां, टाइम पे नहीं आ सकते? अरे सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे काम पड़े हैं करने के लिए, समझे? ठीक है, जो आप बोलेंगे वही करेंगे। ये क्या आंखें फाड़ के देख रहा है? चल अबे चल चल चल, चल, चल जल्दी चलो। ओके और एक चीज ध्यान रखना, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर के उस पार से कुछ लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ गए ना? Yes. और एक बात, मैंने जो पैक किया है वो सारा माल कल वहाँ पहुँचना चाहिए। Yes. अच्छा, और गजापति का बेटा जो चेन्नई से यहाँ आया था, उसका क्या नाम बताया? वसंत। ओ, ओ, वसंत, वो जहाँ भी मिले उसे खत्म कर देना। ओके वसंत। क्या है यहाँ पे, बहुत बैड स्मेल आ रही है। ओ गणपति, अच्छा ये हो रहा है क्या? इसीलिए मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। थैंक्स। क्यों सर, जन्मदिन के दिन आप इतना टेंशन में क्यों हो? क्यों नहीं रहेगा, तुझे क्या है? तेरे आने से पहले वो आ जाती है ना तेरे लिए। यार अभी तक इसके मेन मैटर के बारे में बात नहीं हुई। थोड़ी देर में वो आ जाएगी, उसके आते ही और उसके आई लव यू बोलते ही इधर कट होगा, उधर चौल में ओपन क्या? होगा। जा रहे बेवकूफ। क्या बोला? अरे बेवकूफ ये बोलना चाहता था कि बियर की बोतल ओपन करेंगे। हाँ, फिर ठीक है। हे, वो आ गई, आ गई। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। हे हे, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है, अंदर खोल के देखते हैं क्या है। चल साइड में चलते हैं, आजा। तू जानता है अगर अपने यहाँ की लड़की होती ना तो आज आपका बर्थडे था, इसलिए मैं आपके लिए मंदिर गई थी, आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ, ऐसा बोलकर विभूति देती और चली जाती। लेकिन जरा इसे देखो, ये क्या लेकर आई है? हीना? क्यों ऐसा कर रही हो तुम? लेकर दिया हुआ ड्रेस वापस कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? तुम भी बाकी लड़कों की तरह हो, ये बात प्रूव कर दी। थोड़ा हंसकर बात कर ली तो सीधा लव लेटर लिख दिया। मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। लेट दिस बी द फाइनल मीट, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। बाय। सॉरी वसंत, मैं चाहती हूँ तुम ये शहर छोड़कर जाओ, इसलिए ऐसा कहा। मेरे प्यार से ज्यादा तुम्हारी जान कीमती है। अरे छोड़ यार, फील क्यों कर रहा है? अरे सर, वन साइड लव है क्या? तो क्या एक लड़की को 10 साइड से प्यार करेंगे? अरे क्या? ये बात नहीं है यार, आपका शहर मेट्रोपॉलिटन है तो ये शहर कॉस्मोपॉलिटन। ये सब हमें स्कूल में ही सिखा दिया है भाई। अरे यार तुम थोड़ा चुप रहोगे? एक लड़की के दिल की बात जाने बगैर कोई बैग उठाकर ऐसे चलाता है क्या? तो क्या हम ऐसे ही भाग कर आ गए? उस लड़की ने इसे सिग्नल दिया था भाई, उधर ग्रीन दिखाया इधर रेड डाल दिया। सर आपके शहर में लड़कियों की कमी है क्या? उधर ही किसी लड़की के साथ सेटल हो जाइए। गणपति जो बोल रहा है इसकी बात में दम है। अगर तू अपने यहाँ के किसी लड़की से प्यार कर रहा होता ना भाई, तो वो अपने घर का सारा सामान लेकर तेरे दरवाजे पर खड़ी होती, मुझे अपना लो ऐसा बोल के गिड़गिड़ा रही होती वो। मनु बिल्कुल सही कह रहा है। इसके दिल का क्या करें, यहाँ लगा बैठा ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं यार, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है जो ऐसा बर्ताव कर रही है। प्रॉब्लम क्या है ये जाने बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। एक काम करो, तुम दो आदमी के बदले 10 आदमी ले जाओ। okay. लेकिन ये काम होना ही चाहिए। okay, sir. साथ में शबीर को भी लेके जाओ। शेषा जी, उस लड़के को हमने देखा। क्या, कहाँ देखा तुम लोगों ने? चौरंगी स्टेशन पर। उसको देखने के बाद भी उसको वहीं छोड़कर आ गए? माहौल ठीक नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, उसको नहीं मार सकते थे। लेकिन क्यों? उसको हमने आपकी बहन के साथ देखा। What? वो उसके साथ थी इसलिए छोड़कर आना पड़ा।
मेरी बहन हीना। हीना एक मिनट, इस साल कोर्स खत्म होते ही तेरी शादी करने का प्लान है, तब तक तू जरा ठीक से रहना, मेरी बात समझ रही है ना? मुझे कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तू क्या कहना चाहती है? बिजनेस कर रहे हो या टेररिज्म फैला रहे हो? तूने मेरा दूसरा साइड देख लिया क्या? अगर माँ को पता चल गया तो पता है क्या होगा, मर जाएंगी बेचारी। नहीं पता चलना चाहिए, अगर पता चल गया तो सिर्फ माँ ही नहीं तू भी साथ में मरेगी। ये आपको क्या हो गया है, सब कुछ छोड़कर पहले जैसे बन जाओ भैया। नो चांस, मैं ऑलरेडी इस लाइन में जा चुका हूँ और मैं इसमें से कभी नहीं निकल सकता। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती अपना मुंह बंद रख। इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, समझी? इट्स माय ऑर्डर। अंदर गया है, पता नहीं कब बाहर आएगा। अच्छा जाने के लिए हम लोग इसी में जाएंगे और क्या? नहीं तो क्या, बेंज में जाने की आदत है अचानक ये डब्बा। अरे बहुत हो गया, ज्यादा मत फेंक। टैक्सी खाली आछे आशबे की? ना ना, टैक्सी खाली है क्या पूछ रही है? इसे बोल टैक्सी नहीं, मैं खाली हूँ। इडियट, मुझे हिंदी समझ में आती है। बेंज बेंज क्या, पूरा गाली बर्न हो गया भाई। ये मैटर वसंत को मत बताना, इधर ही दबा देना। नशे में बोल दिया तो क्वार्टर कैंसिल। जल्दी चल, आजा जल्दी। एडवर्टाइजिंग में ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट हम जनता को बेचना चाहते हैं उसे सही ढंग से पेश करना होगा। अगर हम वैसा नहीं करते हैं। कौन है तुम? आमी हीना। अरे तुम अपने आप को आखिर समझती क्या हो? प्यार भी करती हो और गुंडों से पिटवाती भी हो। पसंद नहीं है तो उसे जाने के लिए कहो ना, उस पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? हमारी टैक्सी ड्राइवर यूनियन वाले आ गए ना तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। बहुत ज्यादा हद से पार कर रही हो तुम। किससे पंगा लिया है पता है तुम्हें? इस कॉलेज का नाम निशान मिटा देंगे। अरे इनको उखाड़ देंगे। किसके किसने गुंडों को भिजवाया? तेरे भाई ने, तेरे बाप ने, चल चाहे कोई भी हो, लेकिन आज के बाद ऐसा होगा ना तो मैं जान पर जाऊंगा।
अच्छा क्या लाइफ है, इस मदद के लिए कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, तू भी टेंशन में है क्या? फिर क्या, कोलकाता में गंगा बह रही है, आगरा में यमुना बह रही है, आंध्रा में कृष्णा गोदावरी बह रही है, कर्नाटका में कावेरी बह रही है और तमिलनाडु में वो छोटी सी तामेरा बरनी, उसमें क्या बह रही है? लॉरी चल रही है, रेत की लॉरी निकल रही है। छोड़ो इन बातों से क्या फायदा। वो तो ठीक है, नेशनल एंथम गाने से पहले इन सबको नेशनलाइज कर दिया होता तो ये प्रॉब्लम आज होती नहीं। सही है। चाय थोड़ा अजीब लग रहा है, तूने मुंह लगाया क्या? आपको हिंदी आती है? हाँ जी। आप मुंबई के हैं क्या? हाँ जी। नरेश कनोडिया है, जे रीते महानदी फिल्म मा पोतानी दीकरी ने बचावी हती, ए रीते तमारे मने बचावी पड़े तो शू करशो? ये क्या बोल रही है, मैं समझा नहीं। कमला हसन ने महानदी फिल्म में अपनी बेटी को सोनागाछी से कैसे बचाया वही ये पूछ रही है। अच्छा तो ये सोनागाछी की है? हाँ। कितने साल की सर्विस है? 25 years। सिल्वर जुबली चल रहा है। प्रॉपर्टी कितनी है जरा पूछ? मारा बेबे घर छे। इसके दो दो घर है, इधर ही कमाई इधर ही सेटल हो गई, अब मुंबई जाएगी क्या? कमल हसन क्या, सलमान खान भी इसको नहीं बचा सकता। छोड़ यार, छोड़ ना, क्यों उसकी वजह से तू परेशान हो रहा है? तू इसे बहुत सपोर्ट कर रहा है, ये तेरी पुरानी पैसेंजर है। अरे यार क्या है, जब से तू आया मेरे पीछे पड़ा हुआ और कोई काम नहीं किया तुझे, और कुछ सुस्ता दिया क्या तुझको? ना अरे रे रे, एक कंट्री के अंदर कितनी सारी भाषाएं हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब परेशान करने के लिए घर तक आ गए तुम? मैं तुमसे मिलने नहीं आया, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। घर वालों को बुलाओ जल्दी, उनसे बात करनी है। लिसन, घर पर कोई नहीं है। तो आने दो। तुम उनसे क्या बात करने वाले हो? कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, ये कहूंगा। मेरे भैया अभी आ जाएंगे, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। तो आने दो। मेरी माँ और भैया आ गए हैं, प्लीज चले जाओ। फैसला किए बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। सकले सकले कथाए गए छिले, ये लो। ये क्या, क्या है ये सब? मेरी जान बचाने की कीमत है, अगर कम है तो अपना एड्रेस देकर जाओ, हर महीने मनी ऑर्डर कर दूंगी, पर मेहरबानी करके यहाँ से इस वक्त चले जाओ प्लीज। अच्छा हुआ तुम्हारे, और भी काफी चीजें लेनी थी। प्लीज हीना, दरवाजा खोलो बेटी। इस तरफ से आओ, जाओ। क्यों इतनी देरी क्यों? बाथरूम में थी, सुनाई नहीं दिया। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही है बेटी? कुछ नहीं माँ। इतना अपमान, कितनी बेइज्जती करोगी हैं? इसी को कहते हैं घर बुलाकर बेइज्जती करना। उसने तुम्हें बुलाकर दिन रात अपने पीछे घुमाया, और आखिर में क्या कहा उसने? अब उसके पीछे जा करके उसे आई लव यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। कल कोई प्रॉब्लम हुई तो तेरे घर वाले मुझसे पूछेंगे। चुपचाप यहां से चल। मनु जो कह रहा है सही है सर, आप अपने गांव चले जाओ। ए, तू मेरे साथ आएगा? कहां? Excuse me. मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया हूं, एक मैसेज देने के लिए आया था कि आज मैं जा रहा हूं। हाँ, सोचा था कि यह बात तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों तुमको बता रहा हूं। तो वो इसलिए कि तुम डिस्टर्ब नहीं रहोगी, कि यह मुझे कभी भी परेशान कर सकता है। अब बताओ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? नहीं कुछ नहीं। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो अगर यह सच है, कभी मुझे प्यार भरी नजरों से देखा नहीं अगर यह भी सच है, तो मेरे हाथ पर यह बांध दो। बांधो, बांधो, बांधने के लिए कह रहा हूं ना, बांधो।
बंद हो। अब बता क्या बोलता है। ट्रेन की 3 टिकट बुक कर। इसके बिना हम गांव वापस नहीं जाएंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि वो तुझसे प्यार करती है। शुक्रिया। पानी नहीं है क्या? पानी क्या? ठंडा पानी। अभी पानी नहीं है और थोड़ा कुछ कुछ डालो। हे अरे भाई मैं खाना लेकर आया हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ कुछ होता है, एक छोटे एडजस्टमेंट में टिफिन खत्म कर रहा हूँ। हे भगवान। ओके ओके ठीक है, फिर 20 साल के बाद मिलेंगे। जी हाँ। ओके, अभी तूने क्या बोला? 2 आवर्स के बाद मिलता हूँ। 20 साल के बाद मिलेगा तूने कहा? ऐसा मैंने कहा? हाँ बिल्कुल। 20 साल के बाद तो ये इसकी तरह हो जाएगी। कोई बात नहीं, अब बोल दिया तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? प्यार तो प्यार होता है, उम्र थोड़ी देखता है। ओ गणपति। हाँ गई वो। कैमोन आचे। हाँ भालो आचे। जलेबी है क्या? हाँ। कैमोन आचे भालो आचे, क्या ये? मैं तो गैप में चलने वाला आदमी हूँ भाई। हाँ। अगर उसके पति को पता चलेगा तो बीच रास्ते में काट के रख देगा। अरे कितनी गंदी सोच है तेरी। कौन सी सोच? हे वो देख किधर आ रही है। आजा, वसंत से मिलना है क्या? वसंत की जान को खतरा है, तुम बोलोगे तो वो जरूर मानेगा। प्लीज उसे यहाँ से वापस ले जाओ। वसंत को किससे खतरा है? मेरी फैमिली से। क्यों, वो तुमसे प्यार करता है इसलिए? यानी तुम उससे प्यार नहीं करती? कल उसने राखी बांधने के लिए बोला तो क्यों नहीं बांधा? मेरे हाथ में बांध कर क्यों भाग गई? मेरी बात सुन, तू उससे प्यार करती है ये सच है। तुम्हारे बिना वो इस शहर से वापस नहीं जाएगा। अगर वो खुद भी जाना चाहेगा ना तो मैं उसको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ बोला ना। हे क्या है? अभी अभी तूने क्या बोला, फिर से बोल। अगर वो खुद भी जाना चाहेगा ना तो मैं उसको नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोल मेरे दोस्त, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। हे एक दूसरे शहर से आए हुए आदमी को तूने सपोर्ट करके तूने बहुत बड़ा काम किया। रियली यू आर ग्रेट। पापा आपके लिए फोन है। कॉर्डलेस लेकर आना चाहिए। कुछ जरूरी बात है, उसे अकेले में बात करनी है। हेलो गजपति है। I'm Hina from Kolkata. Hina कौन? आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ सर। क्या बात है? वसंत की जान को खतरा है। जान को खतरा है? हाँ जी। किससे खतरा है? मेरी फैमिली से सर। तुम कौन हो मुझे डिटेल्स में बताओ। वसंत, वसंत मुझसे प्यार करता है सर। प्यार करता है? या। अपना नाम क्या बताया? हीना। आप तुरंत कोलकाता आ जाइए सर, मैं एयरपोर्ट पर आपका वेट करूंगी। इवनिंग की फ्लाइट है, आप जल्दी आइए सर। राजेश्वरी, तुम्हारा बेटा कलकत्ता क्या बोलकर गया है? कंप्यूटर कोर्स करने जा रहा हूँ। वो कोई कंप्यूटर वंप्यूटर पढ़ने नहीं गया है, किसी कलकत्ता वाली के पीछे पीछे गया है वो यहाँ से। प्यार है उससे? किसका बेटा है और किससे प्यार करता है वो? अगर बाहर पता चला तो लोग हंसेंगे मुझ पर। वो लड़की फोन करके मुझे बता रही है कि आपके बेटे की जान को खतरा है। हमारे बेटे को क्या हुआ, कहाँ है वो? कहीं भी रहने दो, मरने दो उसे किसी से मार खाकर। ऐसे को जन्म दिया है। पापा भैया को कुछ हुआ है क्या? समाधि बनाने वाले हैं उसकी। अंदर जा तू। ए, ऐसी क्या गलती कर दी मेरे पोते ने? खून कर दिया क्या किसी का? प्यार ही तो किया है उसने। अब तुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, तू कोलकाता जाएगा। और वहां पॉलिटिशियन बन के मत जाना, एक बाप बन के जाना। बेटा समस्या चाहे जो भी हो, बस ठंडे दिमाग से सोचना। किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचाए बिना अपने बेटे को बस सुरक्षित यहाँ ले आना, ठीक है? गजापति को उसकी सिटी में हम मिस कर गए और दिल्ली ठीक नहीं है। विल फिनिश हिम हियर। उसको मैं दुर्गा पूजा पर यहीं इनवाइट करूंगा। अब एक है ने कोलकाता है, हम आई फिनिश कर देवो। उसकी भाषा में क्या बोलते हैं? खत्म करना। हाँ, गजपति को खत्म करना है यहाँ लाकर।
आपने ही फोन किया था मुझे? जी सर। मेरे बेटे को किससे खतरा है मुझे साफ साफ बताओ। तुम उससे प्यार करती हो? या, पर ये नहीं हो सकता, मेरी फैमिली को ये बात पसंद नहीं है। ओ। पापा, आप यहां कैसे? मैंने ही नहीं बुलाया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या है ये सब? पापा वो ये क्या काम कर रहे हो तुम? जरा देखो मुझे, कैसे आया हूं मैं यहां सूट कोट पहनकर। ए प्यार में ऐसा क्या है कि एक लड़की फोन करके मुझे? मैं इसे प्यार करता हूं पापा, तो इसमें गलत क्या है? गलत तो है, मेरा बेटा प्यार करता है ये गलत है, वो भी एक बंगाली लड़की से। क्यों पापा, इस प्यार से आपको क्या लॉस है? लॉस बहुत है मेरा, बहुत लॉस है। मुझे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, 35 सालों में पार्टी के अंदर जो मैंने इज्जत बनाई है वो मुझे खोनी पड़ेगी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे लिए और मेरी मान मर्यादा के लिए इस प्यार को तुम भूल जाओ। अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं आओगे तो जब तुम आकर हमसे मिलना चाहोगे तो उस वक्त हम में से कोई भी नहीं रहेगा, अपने परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगा। सॉरी वसंत। अभी मुझे आपके साथ आना है ना? हाँ ठीक है, चलते हैं। चलिए। ए मैं गणपति से मिलकर आता हूं। मैं भी आता हूं ना? नहीं, मेरे पापा के साथ रहना। आपके लिए गरम चाय लेकर आऊं? अंदर आइए। क्या बात है सर आप यहां? मैं जा रहा हूं। क्या हुआ सर? शाम को तो चौल में आएगा। हाँ, आऊंगा ना, वहीं बता दूंगा। सर सर सर। हेलो। यस सर, मुखर्जी सर 4 जन को पहले भेज चुका हूं, मुझ पर यकीन कीजिए। आई विल डू इट। हेलो गजपति। गजपति, मुखर्जी बोल रहा हूं। हाँ मुखर्जी साहब, कैसे हैं? क्या बात है? यू प्रॉमिस्ड मी टू कम फॉर दुर्गा पूजा, क्यों नहीं आए? व्हाई यू डिडंट कम? आ जाऊंगा। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ पूजा यू नो। आ गया हूं मैं, लेकिन एक बात है, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा और 20 मिनट में निकल जाऊंगा। खुशी की बात है, वेलकम। गजपति, यू आर वॉकिंग इन टू अ ट्रैप, यू आर फिनिश्ड। तुम गए सर? यस, वी हैव एन अरेस्ट वारंट सर। व्हाट फॉर? वी हैव गॉट अ इंफॉर्मेशन दैट यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, प्लीज। Sir, coming from headquarters, sir. We have come for your protection from terrorist. 90% terrorists are arrested, including Mr. Mukherjee, sir. Mr. Mukherjee? Yes, sir. You have to proceed to Chennai with our protection squad from our headquarters, sir. Oh. Flight is tomorrow evening. For your stay, we'll make special arrangements, sir. No. Put me on to the morning train, okay? Okay, sir.
हे वसंत, मैं मनु बोल रहा हूँ, किधर गया है तू? इतना लेट क्यों हो रहा है? कब आ रहा है तू? आ जाऊंगा। अरे तू जल्दी आ जाना प्लीज, सुबह के 4 बज गए हैं, 6:45 बजे की ट्रेन है आज सुबह। आ जाऊंगा। हम सब गाँव जा रहे हैं, पापा वेट कर रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन भी बहुत है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो सब तब बताऊंगा जब तू मिलेगा, समझा? एक काम कर, यहाँ मत आ, सीधा स्टेशन पे आ जा, हम लगेज लेकर के वहाँ पे पहुँच जाएंगे। देख आज यहाँ दुर्गा पूजा होने की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक में मत फंसना, जल्दी आ जाना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। Who's on the line? मैं साहिल बोल रहा हूँ। आपने खबर सुनी क्या? हमारे सारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या? क्या बोल रहे हो? वो लड़का यहाँ पूजा में आया हुआ है। गजापति और उसके बेटे की लाश को मैं देखता हूँ। तुम लोग चिंता मत करो, वहीं रुको। काम तमाम करने के बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके। इस वक्त कहाँ जा रही है बेटी? जिसने मुझे यहाँ तक सही सलामत पहुँचाया था, उसकी जान को खतरा है माँ। क्या हुआ उसे? उसे भी सही सलामत उसके घर पहुँचाना है, इसीलिए जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन उसे भेजकर तू यहाँ आ जाना। आपको क्या लगता है कि मैं उसके साथ भाग जाऊंगी? इतने साल आपने सिर्फ मुझ पर नजर रखी, पर भैया क्या करते हैं इसकी कभी खबर ली आपने? मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिक्र क्यों? मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज मेरे साथ आओ।
स्टेशन तक आ गई। ऐसी बात नहीं है बेटी, तू आज हमारे सामने जिंदा खड़ी है तो सिर्फ इसी की वजह से। तूने बताया था कि इसकी जान को खतरा है, ये सही सलामत है या नहीं यही देखने यहाँ आई हूँ। यात्रियों के लिए एक सूचना, जल्दी करो ट्रेन निकलने वाली है, अब तुम जाओ। तुम क्यों बेवजह इतने फिक्र कर रही हो, तुम्हारे और मेरे बीच तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ हो जाए तुम्हें क्या परवाह। प्लीज तुम जल्दी यहाँ से जाओ, मेरी बात मानो प्लीज। वही बताओ मैं क्यों जाऊं? वो क्योंकि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे इसलिए। कौन है वो लोग, क्यों वो मेरे खून के प्यासे हैं और मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसका जवाब मिलने से पहले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं वो मेरे भैया हैं। वो एक बहुत बड़ी गैंग के मेंबर है, एक आतंकवादी है वो। बेटा वैसा नहीं निकला, नहीं तो चली जाए यहां से। चली जा बेटी, चली जा, चली जा, चली जा यहां से। नहीं, नहीं बेटा नहीं, मुझे छोड़ दो मां। नहीं बेटा मेरी बात सुनो, Oh!
Oh, 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 oh